हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शरीफ। तो आज आप लोगों के सामने मैं एक वीडियो दिखाने के लिए आया हूँ। उड़ीसा में जो ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से जितना आदमी मर गया, कुछ आदमी हॉस्पिटल में है, ज़्यादातर आदमी हॉस्पिटल में है। उन लोगों को इलाज करने के लिए हॉस्पिटल में सुविधाएँ दिया है सरकार ने। तो आइए एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करूँगा कि उड़ीसा में जो ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप लोग ये वीडियो में देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओडिशा के बालासोर में हुए दर्दनाक हादसे में अब तक 288 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1100 के करीब लोग घायल हुए हैं। इस हादसे ने दर्द की इतनी कहानी दी है जिन्हें बता पाना मुश्किल है। इस हादसे का हर पीड़ित उस दर्द से गुजरा है जो शायद कभी कम नहीं हो सकता। हादसे के बाद कई ऐसी तस्वीरें आई जिन्हें देखकर हर कोई सहम गया। कोई अपने अपनों को अस्पतालों में ढूंढ रहा था तो कोई मुर्दा घर में। दर्द की ऐसी एक कहानी है बंगाल के हेलाराम मलिक की, जो अपने बेटे को ढूंढने के लिए कई 100 किलोमीटर का सफर तय करके बालासोर पहुंचे और जब अस्पताल में बेटा नहीं मिला तो मुर्दा घर पहुंच गए। आगे क्या हुआ हम आपको बताते हैं। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक हेलाराम के बेटे विश्वजीत मलिक कोरोमंडल एक्सप्रेस में थे। जैसे ही हेलाराम ने हादसे की खबर सुनी, उन्होंने तुरंत अपने बेटे विश्वजीत को फोन किया। विश्वजीत ने फोन उठाया लेकिन हेलाराम को उसकी आवाज साफ सुनाई नहीं दी। वो कराह रहा था। हेलाराम तुरंत एक एम्बुलेंस ड्राइवर और अपने बहनोई दीपक दास को लेकर बालासोर के लिए रवाना हो गए। उन्होंने उस रात 230 किलोमीटर से ज्यादा का सफर किया लेकिन बालासोर पहुंचने के बाद उन्हें उनका बेटा किसी भी अस्पताल में नहीं मिला। हताश हेलाराम के पास अब मुर्दा घर में चेक करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो अपने दिल को मजबूत कर बहानागा हाई स्कूल पहुंचे जहां बहुत सारे शव रखे थे। इस पूरे वाक्य को हेलाराम के जीजा दीपक दास ने कुछ इस तरह से बताया। हमें अपने 24 साल के बेटे की कोई सूचना नहीं मिली। हम हताश थे लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम उसके जिंदा होने की उम्मीद में वहां लोगों से पूछताछ करते रहे। एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि अगर हमें अस्पताल में कोई नहीं मिला तो हमें बहानागा हाई स्कूल जाना चाहिए जहां शव रखे गए हैं। हम ये नहीं मान सकते थे कि वो चला गया है, लेकिन हमारे पास कोई चारा भी नहीं था। हम वहां चले गए। वो एक अस्थायी मुर्दा घर था। हमारे सामने लाशों का ढेर लगा था। हमें खुद लाशों को देखने की अनुमति नहीं थी। दास ने आगे बताया, थोड़ी देर बाद जब वहां किसी ने देखा कि एक शव का हाथ हिल रहा है तो हंगामा मच गया। क्योंकि हम वही थे इसलिए हमने देखा कि ये हाथ विश्वजीत का था जो बेहोश और बुरी तरह से घायल था। हम तुरंत उसे एम्बुलेंस में बालासोर अस्पताल ले गए जहां उसे कुछ इंजेक्शन दिए गए। उसकी हालत को देखते हुए उन्होंने उसे कटक मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। लेकिन अब हम उसे अपने साथ ले आए। अब उसकी सोमवार को सर्जरी होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता पहुंचने तक विश्वजीत को होश नहीं आया। सुबह करीब 8:30 बजे उसे SSKM अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने बताया कि रविवार को विश्वजीत की एंकल सर्जरी की गई, सोमवार को उसके दूसरे पैर की सर्जरी हुई। उसके दाहिने हाथ में कई फ्रैक्चर हो गए थे। लेकिन सवाल था कि आखिर जब विश्वजीत जिंदा था तो उसे मुर्दा समझकर कैसे मोर्चरी में रख दिया। फॉरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट सोमनाथ दास ने इस पर मीडिया को बताया कि ये केस सस्पेंडेड एनिमेशन का है। सदमे की वजह से ये स्थिति हो सकती है। इसमें व्यक्ति की नब्ज कम हो जाती है, उसके अंग ठीक से काम नहीं कर रहे होते। ऐसी स्थिति में कुछ समय के लिए अंग शिथिल हो जाते हैं। उन्होंने कहा, घायलों की भारी संख्या और इस तरह की भीड़ के कारण डॉक्टर्स को भी बारीकी से शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को देखने का समय नहीं मिल पाता। बचाव अभियान में नॉन मेडिकल लोग भी शामिल होते हैं। ऐसे मामले में यदि कोई घायल व्यक्ति बेहोश था तो वो लोग ऐसे व्यक्ति को मृत समझने की गलती कर सकते हैं। टीम न्यूज नेशन।
तो आप लोग ये वीडियो देखा, हम क्या कर सकते हैं उन लोगों के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, ताकि जो लोग जितना आदमी हॉस्पिटल में है जल्द से जल्द ठीक हो जाए।